नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल, मैं हूं नैन्सी। आज हम आए हैं गिरजा शंकर द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके अंदर। अभी हम बात करेंगे गिरजा शंकर जी से और जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आपका इस प्रदर्शनी को लेके क्या कहना? कारण तो कोई खास नहीं, बस काफ़ी टाइम से आर्ट के फील्ड में यहाँ पर कोई कार्य हुआ नहीं। आज से 34 साल पहले मेरे पिता ने एक एग्जीबिशन यहाँ जनता भवन में किया था, तो बस यही था कि जैसे म्यूजिक और डांस के काफ़ी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, बड़े मंच हैं जिसके पीछे लोग अपने बच्चों को उसी फील्ड में डाल रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि इसका कोई स्कोप नहीं है। मेरा यही मकसद है कि जो बच्चे आर्ट से रिलेटेड है तो उनको भी आगे, क्योंकि गांव में अच्छे कलाकार हैं जो सिर्फ उनको एक माहौल नहीं मिलता है, एक मंच नहीं मिलता है। तो अब मेरी यही, बड़े जो स्टेज वाले हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि कुछ ऐसा आप भी करो भाई आर्ट के फील्ड में भी, जिससे पेंटिंग है या मतलब क्ले मॉडलिंग है, इसके भी एक मंच मिले ताकि पेरेंट्स भी बच्चों का इधर रुझान थोड़ा दिखाए अपना मन। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये आपकी पहली प्रदर्शनी है या इससे पहले भी आप लगा चुके हैं इस तरह की प्रदर्शनी? ये सोलो शो जो है वो मेरा पहला ही है और शिक्षा में पहला शो ही है। वैसे मेरी दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में 8 से 9 एग्जीबिशन लग चुकी है, उनमें ग्रुप शो ही किया मैंने, पर मुझे वहाँ भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स मज़ेदार लगा नहीं। कुछ लोग वही है अपने फील्ड के, अपने ही शहर वाले कलाकारों को आगे रखते हैं, तो मेरा मकसद यही था कि मैं एक एग्जीबिशन अपनी करूँगा, उसके बाद जो बच्चे हमारे पास सीखने आ रहे हैं उनको साथ लेके थोड़ा सा धीरे धीरे, जैसे अब 2-3 महीने में मिलके करेंगे तो थोड़ा बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहेगा और माता पिता भी इस और थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देंगे। जी जी, धन्यवाद सर। हम आपको दिखा रहे हैं गिरजा शंकर द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स। यहाँ पर आप जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं, हर एक पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई संदेश है। इनमें से कई पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जो कि शंकर जी के जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं।